क्या मनीष का सब सीएम बन सकते हैं? अरे भाई, किसी का औकात है उस बंदे के सामने खड़ा होने का? पूरे बिहार में एक तरफ पूरे बिहार के नेताओं को खड़ा करो और एक तरफ मनीष को खड़ा करो, पता चल जाएगा उस व्यक्ति का हैसियत क्या है। क्योंकि वो किसी जात और किसी कम्युनिटी का व्यक्ति नहीं है, वो सब जात और सब कम्युनिटी का व्यक्ति है, गरीब और दुखियों का आवाज है। लेकिन कह रहे हैं कि वो त्रिपुरारी तिवारी है, इसलिए उन पर आरोप लग रहा है, इसलिए दबाया जा रहा है। त्रिपुरारी तिवारी है, सही बात है, ये तो एकदम 100% सही बात है। इससे बड़ा कोई जादू कर दिया होता तो उस पर कुछ नहीं होता। अच्छा। कोई अदर व्यक्ति किए वाले लोगों ने कुछ नहीं होता। मनीष कश्यप से ज्यादा लोग जाके वहाँ तमिलनाडु में चिराग पासवान गए, पप्पू यादव गए, तमाम बिहार के नेता गए, मंत्री गए, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और एक मनीष कश्यप जाने के बाद फट गई आपकी? क्यों फटी? क्योंकि आपकी पता था कि मनीष कश्यप जाएंगे तो साक्ष सामने रख देंगे और बिहार का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। बात यहाँ तक है। और जब वो कहा व्यक्ति ना कि मुझे भेजिए, 180 दिन के बाद हम समझा देंगे, सरकार गिरा देंगे, समझा देंगे, समझा देंगे, यानी अपन अकेले बोल दिया मनीष कश्यप। क्या आप मनीष कश्यप नहीं है? ये मनीष कश्यप नहीं है, ये मनीष कश्यप नहीं है। जितने सोशल मीडिया पर जिसके साथ अन्याय हुआ है और जिसको न्याय मिला है, सब मनीष कश्यप है। अच्छा भैया, लगातार एक बात कही जाती है सरकार पे, ये आरोप लग रहा है कि जो आनंद मोहन है उसको कानून में बदलाव करके निकाल दिया गया, किस हद तक सही मानते हैं? ये तो गलत है, एकदम सरासर गलत है। एक आनंद मोहन के साथ साथ 39 व्यक्तियों को निकाला गया, 39 व्यक्तियों को निकाला गया, लेकिन आनंद मोहन सबसे मुख्य व्यक्ति थे, उनके चेहरे पर निकाला गया। वही आनंद मोहन बाहर निकलते हैं और फिर से दहाड़ना शुरू करते हैं तो आप छटपटनी लेने शुरू कर दिए। अरे भाई, आपके पास पाले हुए लोग हैं, आज बाहर निकलेंगे तो कल तक डकार मरवे करेंगे, चिंता मत कीजिए, आने वाला वक्त बता देगा आपको क्या होने वाला है। भैया आप